वेलकम टू प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट। आज मैं पेरिस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने बता रहा हूं। यदि घन में इकाई का अंक 2 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 8 आएगा, और यदि घनमूल में इकाई का अंक 3 है तो यानी घन संख्या है और उसका हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक 7 आएगा, और केवल यही संख्या है 2 का 8 और 3 का 7। इसी प्रकार से यदि घन संख्या में इकाई का अंक 8 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इकाई अंक 8 है तो उसका घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 3 का 7 और 7 का 3। इस प्रकार से केवल आप 2 याद करेंगे, 2 का 8 याद कर लेंगे तो 8 का 2 हो जाएगा, और 3 का 7 याद कर लेंगे तो 7 का 3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी का 1, 4, 5, 6 और 8, 9 और 0, इनका यदि इकाई का अंक यानी घन के इकाई के अंक में ये संख्या है 1, 4, 5, 6, 9 और 0 तो इनका घन करेंगे तब भी यही संख्या आएंगी, यही अंक आएंगे, और इनका घनमूल करेंगे तो यही अंक आएंगे। और देखिए याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हम देखिए निकालना बता रहे हैं आपको, देखते ही देखते निकाल जाओगे आप। 19683 इसका आपको घनमूल निकालना है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इकाई की तरफ से यानी दाई तरफ से इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। यानी हर बार हम इकाई की तरफ से 3 अंक का एक जोड़ा बनाएंगे, 3 अंक लेकर, ठीक है। एक 3 अंक का ये हो गया और इधर 2 अंक बचे, इधर जितने भी अंक बचे 2 अंक 4 अंक 6 अंक 50 10 अंक, ठीक है, उसको अलग रख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये है आपका 3, ये टेबल भी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो 3 का आप घन करेंगे, 3 * 9 = 27, तो इसमें आपका इकाई अंक जब इसका हम घनमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 100% 7 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, 100% 7 आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जो आपका 19 बचा है, 1 का घन करिए, 1, 2 का घन कीजिए, 2 * 4 = 8, 3 का घन कीजिए, 3 * 9 = 27। यानी जैसे ही हम 2 से आगे गए तो ज्यादा हो गया, 27 हो गया, ठीक है। तो जो और 1 कम है, यानी जहां से हम ज्यादा हुए 2 का घन और 3 का घन, इस प्रकार से ये 8 हो गया और ये 27 हो गया, ये ज्यादा हो गया और ये कम रह गया, यानी कम वाली संख्या को लेंगे। और इस ये किसका घन है, 2 का घन है। तो ये लीजिए आप, इस प्रकार से हमारा देख लीजिए, है ना, आसान, बहुत ही आसान है। और मैं बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका जवाब नहीं देते हैं, जबकि आप देखते ही यदि मेरा वीडियो आपने एक बार बहुत ही शांति पूर्वक एक ही दिमाग से देख लिया, एक ही मन से देख लिया, तो आप 100% आप देखते ही इस घन का घनमूल निकाल लेंगे, ठीक है, दी हुई संख्या का घनमूल निकाल लेंगे। तो देखिए दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, दूसरा एग्जांपल है 5832, ये एग्जांपल ले लीजिए 5832, ये लीजिए, इसका घनमूल निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे, यानी सबसे पहले 3 अंक का एक पेयर बनाएंगे और बचे हुए अंकों का अलग से। तो इसमें जो इकाई का अंक है उसको आप 3 बार गुणा करेंगे, यानी उसका घन निकालेंगे आप, यानी
इसका इकाई अंक कितना आएगा? 8 आएगा, इसका इकाई अंक 8। अब बचा कितना? 3 अंक को छोड़ दीजिए, बचा आपका 5 बचा। पहली तरह 1 का घन 1 और 2 का घन 3, 2 का घन 8। तो देखिए जैसे 1 का घन 1 हुआ और 2 का घन 8 हुआ, तो 1 का घन जो है कम है और 2 का घन ज्यादा है, तो हमेशा कम वाली संख्याएं लेंगे। तो देखिए कम वाली संख्या ये है, तो ये हो गया 1 का घन और ये हो गया 2 का घन, लेकिन हमेशा हमको कौन सी संख्या लेनी है? कम वाली, यानी 1। तो ये आपका 1 लेंगे, तो इस प्रकार से इकाई का अंक 8 निर्धारित हो गया और ढाई का अंक 1 निर्धारित हो गया, यानी इन दो के बीच में लेंगे, दो ऐसी संख्या लेंगे जिसका घन इस दी हुई संख्या से कम हो और एक उससे बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, ये संख्या हमेशा इस दायरे के अंक में आएगी। आज मेरा क्वेश्चन है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन ये है 17576 और देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, वर्गमूल में भी एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। अरे तो आप वैसे पहले निकाल लीजिए, आपको देखते ही निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी आप आत्मविश्वास नहीं बना पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका आंसर आया है उसे कैलकुलेटर से गुणा करके देख लीजिए, जो वर्गमूल का बताया था वर्गमूल का जो भी आंसर आया है उसका दो बार गुणा करके देख लीजिए, मैच कर रहा है तो आप 100% सही है। अरे आत्मविश्वास बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप यहाँ घर बैठे आप आत्मविश्वास नहीं बढ़ा पाएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाएंगे, तो आप जिंदगी में क्या करोगे? लड़ो लड़ो, आगे निकलो, जिद को पालो, गुस्सा को अपने को हथियार बना लो, लेकिन गुस्सा को तुम हथियार तो बना लो, लेकिन गुस्सा को ये नहीं है किसी को मारने काटने में निकाल दो, गुस्सा को आप ऐसे हथियार बना लो कि मैं उससे ये कहा है कि ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारा पड़ोसी, यदि ये हम प्राइमरी में मास्टर है तो हम जूनियर मास्टर बना के दिखाएंगे, यदि हमारा पड़ोसी यदि फौज में जाने की इच्छा है, हमारा पड़ोसी हमारा गांव का हमारे रिश्तेदार यदि कांस्टेबल है तो हम मेजर बन के दिखाएंगे, इस प्रकार से गुस्सा को हथियार बना दीजिए आप, तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, लेकिन पहले मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, विशेष मेहनत करनी पड़ेगी आपको। भाई मान लीजिए 10 लोग हैं आपके गाँव के, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 8 लोग क्या करते हैं, 8 आवेदक हैं, 8 व्यक्ति क्या करते हैं, आराम से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, लेकिन 2 हैं जो अपना ऐसो आराम भी करते हैं और पढ़ाई में भी मन लगा के करते हैं और दौड़ भी करते हैं, पूरी साल दौड़ करते हैं, और जब जब एग्जाम आता है, जब भर्ती आ जाती है, तो वही 2 लोग एक्सीलेंट मारते हैं और अपना लक्ष्य पूरा कर जाते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो 8 मतलब भर्ती के 10 दिन पहले या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले तैयारी की है जिन्होंने, वो सक्सेस होंगे, या मतलब सालों से तैयारी करते आ रहे हैं, जी जान लगा के तैयारी करते आ रहे हैं, वो सक्सेस होंगे, ठीक है। तो आपको भी ये मान लीजिए आज मेरी एक नौकरी पक्की हो गई, जब भी नौकरी निकलेगी तब भी भर्ती निकलेगी तो मेरी एक नौकरी उसमें पक्की है, ठीक है। तो ये आपको आंसर देना है कि मैं देखूंगा कि आप में थोड़ा बहुत जोश आया नहीं आया, इसका आंसर देना, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ, जिस विधि से मैं बता रहा हूँ उसको आपको आंसर देना है, ठीक है। फिर आपका आंसर निकले और आपको शर्म लगे कहीं गलत तो नहीं, उससे कैलकुलेटर से मोबाइल से आप उसको 3 बार गुणा कर लेना और ये बाद में यही आ जाए तो आपका आंसर सही है और आप गर्व के साथ भेज देना, सर इसका आंसर ये है। अब दूसरा है, एक और प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, 24389 इसका आपको घनमूल निकालना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 13824। सबसे क्या है, सबसे पहले इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, पहले
इकाई की तरफ से तीन अंक में एक पार्ट बना लेते हैं और बचा हुआ पार्ट दूसरी तरफ से बना लेते हैं। अब स्टेप फर्स्ट है ये हमारा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट जो आपने देख लिया 17,576 का घनमूल क्या होगा, 24,389 का घनमूल क्या होगा, ये आपको देखना है। अब ये है आपका, ये इसका हम आंसर निकाल रहे हैं 13,824, 13,824। तो इसमें स्टेप फर्स्ट दो भागों में तोड़ लिया, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में है कि जो ये है इसका तीन बार मल्टीप्लाई कीजिए और वैसे भी चार का घनमूल निकालेंगे, जिसका इकाई का अंक चार हो ऐसी संख्या का घनमूल निकालेंगे तो वही आता है, चार ही आ जाएगा। एक जिसका इकाई का अंक, घन संख्या का इकाई अंक एक हो, चार हो, पांच हो, छह हो, नौ हो और दस हो तो उनका इकाई अंक स्वयं आता है, वही आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चार ही आ जाएगा, चार ही आ जाएगा इकाई। वैसे भी देखा जाए तो इसका तीन बार गुणा करेंगे, चार चौका 16, 16 चौका 64, यानी चार के बाद नहीं करना है हमको। इसके बाद बचा हमारा 13 है, एक का घन कीजिए एक आया, दो का घन कीजिए 8 आया, तीन का घन कीजिए 27 आया। तो देखिए ये 2, 8 और 27 के बीच में, यानी 2 के घन से बड़ा है और 3 के घन से छोटा है। तो मैंने बताया था आपको जैसे 2 के 13 जो है 2 के घन यानी 8, 3 का घन यानी 27, यानी 8 से बड़ा और 27 से छोटा है। ले हमको हमेशा छोटी वाली संख्या ढाई के अंक में लेनी है, छोटी वाली संख्या क्या है हमारी 2। फिर ध्यान दें ये नहीं ये नहीं लेना है आपको 8, ये वाला 2 लेना, 8 किसका घन है 2 का। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब हमारा एग्जांपल, अगला एग्जांपल ले रहे हैं 24, ये है आपका 19683, 19683 इसका हमको घनमूल निकालना है। तो देखिए यहां से यदि याद करना चाहे तो 3 का घन 7 हो गया, और नहीं याद करना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसको दो ग्रुप में बांट लीजिए, इकाई की तरफ से 3 अंक, बाकी का ए, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। अब आ जाइए स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट क्या है, जो स्टेप फर्स्ट है आपका, स्टेप फर्स्ट इसमें जो बांट लिया, फिर इसको स्टेप फर्स्ट ये है कि इसको बांटना है, बांटने के बाद जो इकाई का अंक है उसका घन करना है 27, तो इसमें इकाई का अंक 7 आएगा। अब बचा 19, अब बचा 19, तो देखते हैं पहले 2 का घन और 3 के घन के बीच में आएगा, यानी 2 × 4 × 8 ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, यानी 8 से बड़ा 27 से छोटा, तो ये इकाई ढाई का अंक 2 आएगा, ढाई का अंक 2 आएगा। इस प्रकार से मेरा ये घनमूल पूरा हुआ। ठीक है, मेरा ये ट्रिक पूरी हुई और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से ये समझ में आई होगी, और मैं समझूंगा कि आपने दिल से दिमाग से पढ़ा है और आप वास्तव में योग्यता वो नौकरी चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको सीखेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। एंड यदि आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।